गुड मॉर्निंग। आज जब मैं रोड से पार कर रहा था तो मुझे याद आया उन सभी लोगों का जिनके लाइफ में आज नहीं तो कल एक टर्निंग पॉइंट आया था। टर्निंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद उनका लाइफ पूरी तरह से बदल गया, एक ऐसा पॉइंट जिससे वो कहीं भी मुड़ सकते थे, जिससे वो कभी भी लाइफ में वापस आ सकते थे। टर्निंग पॉइंट, आप सब कई बार रोड से पार करते होंगे और आप लोग देखते होंगे कि रोड में एक जगह पे आके आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल चक्कर। गोल चक्कर क्यों इसको बोला गया, क्योंकि उस राउंड शेप का जो गोल चक्कर है उससे तीन से चार रास्ते निकलते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, सीधा जाओ, या हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं तो उस गोल चक्कर से जस्ट वापस आ जाओ। गोल चक्कर क्यों बनाया गया है, आज मैंने बहुत ध्यान से सोचा, गोल चक्कर क्यों बने, क्या केवल ये मुड़ने के लिए है या इससे सही में लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आता है। चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट जो है लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो सब्जेक्ट का प्रेशर है, उसको बोला गया था कि तुम्हें जो है साइंस लेना है, तुम्हें साइंस लेके ही आगे कुछ करना है, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड में सारे के सारे बंदे साइंस, मम्मी पापा भाई बहन सब साइंस। वो बंदा साइंस लेके आगे बढ़ा, प्लस वन प्लस टू तो उसने किया, यानी कि प्लस वन प्लस टू वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जा रहा है, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है, लेकिन उसको तकलीफ बहुत हो रहा है क्योंकि साइंस उससे संभल नहीं रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको वो अंदर से मजा नहीं आ रहा, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और जैसे ही प्लस टू पास करता है उसने अपना माइंड को चेंज किया, माइंड सेटअप चेंज हुआ, गोल चक्कर से जस्ट वापस मुड़ा और बोला मुझे अब कॉमर्स में कुछ करना है, जस्ट लाइक बीकॉम बीबीए एमबीए ये करके आगे बढ़ना है। ये था उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जब उसने अपने घर वाले के विरुद्ध जाके अपना साइंस सब्जेक्ट को छोड़ा, अपने लाइफ का चुनाव किया, अपने मजा का चुनाव किया, अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट का चुनाव किया और वापस आके उसने वो सब्जेक्ट चुना जो उसको मजा आता है पढ़ने में, जो उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। कोई और एक स्टूडेंट था, वो लाइफ में उसका टर्निंग पॉइंट आया। वो बचपन से बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत ही ज्यादा, उसको मतलब लग रहा नहीं था कि लाइफ में है ना कभी उसके साथ है ना अप्स डाउन्स हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता था, उसके घर में किसी चीज का कमी नहीं था, फ्रिज कूलर तो छोड़ दीजिए, एसी, घर में नौकर चाकर दिस डैट सारे चीजें। उसे ये नहीं पता था ना कि लाइफ में है ना भिंडी कितने की मिलती है, सब्जी कितने के आते हैं, मिर्चे कितने के आते हैं, हर चीज उसके टेबल पे। अब उसके लाइफ में आया टर्निंग पॉइंट, उसके पेरेंट्स में से कोई एक डेथ कर गए, और सपोज करिए कि उसके फादर ही डेथ कर गए, अब क्या। वो बच्चा जो कल तक अपने दोस्तों के साथ अड्डेबाजी करता था, वो लड़का जो कल तक है ना घर में बोल के निकलता था आ रहे हैं और घुस रहा है रात को 9, 10, 11 बजे, घर वाले परेशान, आज अचानक से देखिए उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। वो लड़का स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा था अपने लाइफ को लेके, और अचानक से उसके घर में जब उसके घर की कर्ता धरता, यानी कि जो मेन उसके घर के मेन हेड है, वो नहीं रहे अब उसके साथ में, घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, उसके साथ में उसकी माँ है, उसकी बहन है, अब वो क्या करेगा। और अब देखिए उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ कि अब वो लड़का जो है एक अनुशासन में अपने लोगों को लेके चल रहा है, उसे भी पता चल रहा है कि मेरे लाइफ में मैंने क्या मिस किया, और वो उस चीज को लेके वो चल रहा है। अचानक से उसके लाइफ में बदलाव आया, कल तक जो लोग बोलते थे ये तो मस्तीखोर है, आज देखिए वो बोल रहे हैं ये जिम्मेदार है। कल तक जिसके बोली में खुशहाली थी, अब देखिए वो पूरा सेंसिबल होके हर बात को करता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइफ में एक और मजेदार टर्निंग पॉइंट होता है, बहुत कोई के लाइफ में बता रहे हैं, एक माइंड में एक साइकोलॉजी होता है, जब वो लाइफ से निराश हो जाता है, लाइफ में हताश हो जाता है, लाइफ में उसको आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तो वो एक जगह पहुंच जाता है जिसको बोलते हैं सुसाइड का पॉइंट, यानी कि वो खुद से अपने आप को खुदकुशी करना चाहता है। ये क्या है, बेकार का बात है, लेकिन हम सब जानते हैं, इवन जो खुदकुशी करता है उसको भी पता है कि ये बेकार का चीज है, वो जो कर रहा है इसके बाद दुनिया उसको अच्छा नहीं करने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वो वही करेगा। हम लोग किसी भी सुसाइड करने वाले को जज नहीं कर सकते, ये आप और हम याद रखेंगे, लेकिन ये गलत है। लेकिन उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, कभी कभी कोई कोई नहीं बच पाते हैं, उनका तो टर्निंग पॉइंट पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन जो जिंदा बच गया
यानी कि वो यहां पे सुसाइड करने जा रहा था, उसके पहले उसको उसके भाई दिख गए, उसके बहन दिख गए, उसके कोई ऐसे दोस्त दिख गए जिसने उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, उसको बोला कि जिंदगी में और भी आगे बहुत कुछ है करने को। और इस कंडीशन में सिंपल सा चीज होता है, इंसान का टर्निंग पॉइंट, मर जाता तो शायद आगे कोई पॉइंट ही नहीं था, लाइफ से वापस लौटता है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, इसी को बोलते हैं गोल चक्कर। गोल चक्कर ही जो है लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। रॉन्ग टर्न और राइट टर्न कुछ नहीं होता, आप टर्न कर जाओ लाइफ में। टर्न करने का मतलब होता है लेफ्ट राइट और वापस अराउंड टर्न। तो ये सारा चीज जो है ये हम लोगों को एक ही चीज बतलाता है कि हम सभी के लाइफ में गोल चक्कर जरूर आएगा। अभी फिलहाल हम लोग जैसे भी चल रहे हैं लाइफ में, सीधा चल रहे हैं, टेढ़ा चल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, गोल क्लियर नहीं है, बस चल रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हम सभी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, और उस टर्निंग पॉइंट के बाद हम सभी जो है लाइफ को बहुत सीरियसली लेंगे। मस्ती अपनी जगह पर है, मैं हर वीडियो में यह बात जरूर बोलता हूं, मस्ती अपने जगह पर है, मौका मिले तो धूम धमाल मचा देने का है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है ना, उसका वेट आप भी करो, उसका वेट मैं भी करूंगा। टर्निंग पॉइंट जो है हम लोगों के लाइफ को एक ऐसा दिशा में ले जाता है जहां पे हम लोग बहुत चीज अचीव कर सकते हैं। आपको कभी अपने प्रेजेंट से सेटिस्फाइड नहीं होना है, प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर आपको फुल सेटिस्फैक्शन देगा। प्रेजेंट में सेटिस्फाइड हो गए, प्रेजेंट की खुशियों को ही सबसे बड़ा खुशी मान लिया, तो फ्यूचर इज अनसर्टेन। आप नहीं कह सकते हो कि फ्यूचर में यही सेम खुशी मिलेगा। क्या आप अपनी उम्र को बढ़ते हुए रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। क्या आप अपने सर के बाल पकने से रोक सकते हो, झड़ने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो, क्योंकि एक एज के बाद ये सारी चीजें होने वाली है। तो इसीलिए जब आप यंग हो, यूथ हो, तो अपने ब्लड को सही जगह इस्तेमाल करो। तो मेरा आज आप सभी से यही कहना है कि आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट को समझें, और उस टर्निंग पॉइंट में अगर आपके साथ कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है तो आप समझ जाएं कि अब आपके लाइफ में बदलने का समय है, अब आपको अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो आप सभी अपने टर्निंग पॉइंट के साथ लाइफ में टर्न करें और एक बेटर इंसान बने। थैंक यू।